सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल योर ओन खान सामा। तो कैसी है अपनी YouTube फैमिली, एंड एज यूजुअल आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड आज मेरे चैनल पे जो मैं रेसिपी लाने वाला हूँ, दैट वन इज सोया चाप भुना रोल की रेसिपी, जो कि बनाने में थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। एंड रेसिपी जो है उसका रोल का जो रैपर मैंने है आटे से बनाया, जो कि खाने में भी हेल्दी होगा एंड बहुत खाने में अच्छा भी है। तो चलो फटाफट देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर आफ्टर द म्यूजिक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 4-5 पीस सोया चाप के, जिसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। एंड सोया चाप का जो एक दिक्कत होता है, जो मतलब हम लोग घर में बनाते हैं या फिर मार्केट में खरीद के मिलता है, उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको इसमें सैचुरेटेड फैट ऐड करना है। तो इसके लिए इसको हमें सबसे पहले फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच तेल में इसको शैलो फ्राई करूँगा। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई बिल्कुल कर सकते हैं, अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छे से एकदम ब्राउन होने तक, डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से भुनना है तेल में, मतलब फ्राई करना है, नॉट क्या ही बोलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जो सोया चाप है वो तल के तैयार है, इसको अभी अलग कर लेना है। एंड अलग करके हम रखेंगे एंड एक इसका मैरिनेशन का जो बेस है वो तैयार कर लेंगे, मतलब मैरिनेट कर लेंगे इसको, सीधी सी बात है। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही के, नमक स्वाद अनुसार, और जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच अपने हिसाब से, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यूर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से हमें मैरिनेट कर लेना है, मतलब अच्छे से मिला लेना है एंड इसको साइड में रखना है थोड़ी देर के लिए। जब तब तक चलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेवी का बेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच तेल ले लिया है, जिसमें सबसे पहले जाएगा तो जीरा एंड उसके बाद प्याज। तो मेरा जो कैमरा था वो बंद हो चुका, तो मैंने आपको दिखाना भूल गया हूँ, तो सीधी सी बात है, इसलिए इधर भी बोल देते हैं कि सबसे पहले तेल गर्म करने के बाद यहाँ पर जीरा डालना है, देन जीरा तड़कने के बाद यहाँ पे प्याज डालना है और प्याज को अच्छे से आपको भून लेना है लगभग गोल्डन होने तक। एंड प्याज जब ऐसे हल्का गोल्डन हो जाए, फिर यहाँ पे हमें ऐड करना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट एंड इसको तब तक के लिए भूनना है जब तक अदरक लहसुन का जो है वो एक कच्चा स्मेल नहीं जाता, तब तक के लिए इसको भूनते रहना है। एंड ये देखिए अपना जो अदरक लहसुन प्याज सब कुछ अच्छे से भून चुका है एंड अब इसमें डलेगा कटा हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, ओके। एंड इसको भी डाल के अच्छे से पहले तो फ्राई करना है, मतलब भुनना है एंड इसको गलाना है। तो गलाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए नमक, नमक दे दें आप अपने स्वाद अनुसार। एंड नमक को अच्छे से मिलाने के बाद इसको हमें ढक के पकने देना होगा जब तक टमाटर गल ना जाए। तो चलो अब हम इसको ढक देते हैं, बीच बीच में चलाते रहें। एंड ये देखिए अपना जो टमाटर है अच्छे से गल चुका है लगभग 10 से 15 मिनट बाद मीडियम फ्लेम में, क्योंकि मेरा जो टमाटर है वो थोड़ा कच्चा टमाटर था तो उसको थोड़ा मतलब भुनने में टाइम लगा है। नॉर्मली पका हुआ टमाटर होगा तो कम से कम टाइम में हो जाता है। एंड अब इसमें जो हमने मैरिनेट करके रखा था सोया चाप, उसको डाल लेना है। डालने के बाद अच्छे से मिलाएं पहले तो, क्योंकि जो मसाला है ग्रेवी का इसमें अच्छे से कोट करना चाहिए, क्योंकि सोया चाप जो है बहुत अच्छे से टेस्ट अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको अच्छे से टेस्ट को इसमें घुलने मिलने के लिए देना है। एंड मसाले को पहले एकदम ही अच्छे से उबालना है, क्योंकि उबलने पर ही इसका स्वाद निखर के आता है, तो इसको उबालना तो बनता ही है भाई, है ना। तो चलो अपना जो ये है इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डालने के बाद इसमें जाएगा कसूरी मेथी, एंड कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। एंड इसको अच्छे से उबालना है। अभी उबलने के बाद इसमें डालना है गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, एंड देन इसका जो पूरा ग्रेवी जो है इसको ऐसे गाढ़ा गाढ़ा कर लेना है। एंड अपना जो सोया चाप भुना मसाला है वो तैयार है। तो चलो रोल के लिए रैपर तैयार करते हैं। तो रैपर के लिए यहाँ पर हमें तो आज आटे का रोल बना रहे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप आटा, उसमें नमक स्वाद अनुसार और 3-4 बड़े चम्मच तेल के। एंड सारे चीज़ों को अच्छे से मिला के एक नरम सा डो तैयार कर लेना है आटे का।
ये देखिए डो बिल्कुल बढ़िया से बन चुका है। एंड आटा है इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट देने का ज़रूरत है नहीं, इसको हम बस 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रखेंगे, फिर इससे लोइया काट के रोल बनाना चालू कर देंगे। ये देखो अपना डो भी है जो आ चुका है, अब इसको हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे, मतलब डिवाइड भी कर लेंगे और कुछ भी कर लेंगे, मतलब कोई दिक्कत है नहीं। एंड चलो अब इसको रोल कर लेते हैं। मेरा जो है रोटी रोल करने में तो आपको पता ही है टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप अपने हिसाब से पहले ये एक चीज़ है जिसमें आप मेरे को फॉलो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही घटिया है मेरा हाथ, रोटी कभी मेरे से बेला नहीं जाता सीधा और ना सही देखने में लगता है। तो चलो रोटी तो बेलना हो चुका है, अब उसी पैन में मैंने तेल गरम कर लिया, 2 चम्मच के आसपास तेल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि अपना पराठा जो थोड़ा मोटा है और बड़ा भी है तो अच्छे से इसको चारों तरफ से सेकना है ऐसे। एंड फ्लेम को जो है लोअर टू मीडियम रखें, उससे ऊपर ना रखें, तो फिर क्या होगा पराठा जो है कच्चा कच्चा रह जाएगा अंदर से और ऊपर से ज़्यादा ही मतलब पका पका दिखेगा, तो इसलिए फ्लेम मीडियम टू लोअर। अब जब ये अच्छे से ऐसे चारों तरफ से सिक जाए, अब इसको आपको पैन से उठा लेना है, तो इसको मैंने पैन से उठा लिया है। अब चलो रोल की तैयारी कर लेते हैं। ये आ गया अपना पराठा, पराठे में सबसे पहले जाएगा नो टमाटो केचप नथिंग, अपना घर में बनाया हुआ धनिया की चटनी जो मैंने आपको दिखाया था, नीचे शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं डाल दूँ तो आप देख लेना वहीं पर। और इसके ऊपर जा रहा है प्याज, और उसके ऊपर जाएगा अपना जो सोया चाप मसाला है वो अच्छे से इसको ऊपर से नीचे तक इक्वली डाल दें, फिर इसको अच्छे से रोल करें। एंड अभी हम लोग इसकी सर्विंग करेंगे, तो मिलते हैं सीधा आपसे सर्विंग प्लेट पे। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।